एक कहावत होती है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो किसी भी मीडिया या एक न्यूज़पेपर या किसी भी टीवी चैनल या कोई भी एक मीडिया का अगर एक पार्ट लें, उसके सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो टीम है वो सब एक जैसा सोचे। तो जागरण की जो भी पॉलिसीज़ हैं, एज एडिटर मैं इंश्योर करता हूँ कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो सब उसी सोच के साथ आए। उससे एडवांटेज ये होता है कि सब फोर्स जो होता है न्यूज़पेपर को आगे ले जाने का, सब एक ही डायरेक्शन में होता है, सब अलग अलग नहीं सोचते। मीडिया इज बाय एंड लार्ज बीइंग कंज्यूम फ्री इन इंडिया। आप एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं जहाँ पे जो भी आप काम करेंगे वो आप जिसको देंगे वो उसको चाहेगा, आप उसको फ्री में दे दीजिए। टीवी चैनल जितनी न्यूज़ दिखाते हैं सब फ्री होती है कंज्यूमर के लिए। वो उसके जो पैकेज होता है टाटा स्काई वगैरह, उसमें आप देखेंगे कभी भी आप सबके घर में होंगे, उसमें न्यूज़ चैनल्स फ्री होते हैं। सिमिलरली अखबार देख लीजिए, 2 रुपये 2.5 रुपये के अखबार, एट बेस्ट रियलाइजेशन जो होता है 1.5 से 2 रुपये का पर रीडर हम लोग कर पाते हैं। वो भी एक मेकैनिज्म स्टैब्लिश करने के लिए कि हॉकर जो सुबह आपको अखबार देता है वो आपके डोर स्टेप पर अखबार दे दे और आप उसको पढ़ लें। तो ये एक डायनमिक्स है इस मीडिया इंडस्ट्री की कि मीडिया इज़ यूजुअली फ्री, इंटरनेट पे भी फ्री है, टीवी पे भी फ्री है, प्रिंट भी बाय एंड लार्ज फ्री है। एडवर्टाइजिंग वालों के लिए भी चैलेंज है, उनका चैलेंज अलग है और जर्नलिस्ट का चैलेंज अलग है। जर्नलिस्ट के लिए मैं बोल रहा था कि जो भी आप काम करेंगे वो सब फ्री में कंज्यूम होना है, उसका पैसा रीडर दे वो तभी देगा जब आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे जो इतना कंपेलिंग है कि आदमी खुद मान के पढ़े। वो बहुत कम होता है आजकल, बहुत कम देखने में आता है कि अखबार में या टीवी पे कुछ ऐसी स्टोरीज, ऐसे कंसिस्टेंटली ऐसी स्टोरीज आती जाएं कि उस ब्रांड के लिए, क्योंकि जब स्टोरीज किसी एक प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, मतलब आज तक पे अगर स्टोरी चल रही है, NDTV पे चल रही है और एवरी डे इस तरीके से स्टोरी आती रहे कि साल दो साल बाद वो टीवी चैनल ये कह सके कि ना अब मेरे को आप ऐसे पैक में डालिए टाटा स्काई के कि जहाँ से भी हम 30 रुपये या 40 रुपये या 100 रुपये महीना रीड जो व्यूअर है उससे ले सकें। ऐसा हुआ नहीं अभी तक। अभी भी न्यूज़पेपर्स का वर्ल्ड ओवर एक ट्रस्ट फैक्टर है जो लोगों को अभी भी कंपेल करता है कि उसका पैसा दे के उसको वो खरीदे। अगर वो पाठक पैसा दे रहा है तो वो उसके वो कुछ वैल्यू देख रहा है उसमें, और वो वैल्यू सिर्फ ट्रस्ट है, ट्रस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो न्यूज़ आप उसमें देंगे, जो हमारे जर्नलिस्ट उसमें लिखते हैं वो उसको रिलाई कर पाता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ वो इसलिए पढ़ते हैं कि किसी एक जगह पर जो एक दिन पहले जो भी कुछ विश्व में हुआ है और जो भी लोकल एडिटोरियल टीम समझती है कि उस लोकल एरिया के लिए ये न्यूज़ एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिवली ब्राउज्ड कंटेंट। वी आर इफेक्टिवली डॉक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरी है बताना ये हमें पता है, हमारे पास ये लाइसेंस है कि हम सोसाइटी के ऊपर कुछ लिख सकें, तब किसी पॉलिटिशियन पर कुछ लिख सकें, किसी उद्योगपति पर कुछ लिख सकें उसके फेवर में या अगेंस्ट में। और वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, वर्ड्स कैन चेंज सोसाइटी, वर्ड्स कैन कॉपल गवर्नमेंट्स, सरकारें बदल जाती हैं शब्दों से। हाउ टू डील विद सोसाइटी, हाउ टू एनालाइज सोसाइटी, उसके बारे में कैसे आपको क्रिटिसिज्म करना है या उसकी तारीफ करनी है। और यहाँ पे एक ब्रांड का जो ट्रस्ट डेवलप होता है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, टाइम्स हो, जागरण हो, भास्कर हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, जो रीडर के दिमाग में एक जो ट्रस्ट डेवलप करता है वो आपकी मेहनत से डेवलप होता है, आपकी मेहनत और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आप वहाँ पे आपके संस्कार कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को कैसा माना जा रहा है, आपके अपना आचरण क्या है समाज के प्रति, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या है, आप किन चीज़ों पर एक्साइटेड होते हैं, किन चीज़ों पर नहीं होते, ये सब रिफ्लेक्शन आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप लिखते हैं तो आपका मन लिखता है, आपकी नॉलेज इतना नहीं लिखती है उस समय, आपका जो दिमाग चल रहा है लिखते वक्त
क्या फील कर रहा है, कहाँ पे आपकी संवेदनशीलता है, वेयर आर योर सेंसिटिविटीज, जब उनको आप समझते हैं किसी भी घटना को देखते हुए आपका दिमाग कैसे चलता है उस समय और आप क्या लिखते हैं, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत चीज होती है उस समय। लिखते आप पॉलिसी के अनुसार है अखबार की, बट आपकी राइटिंग्स रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। एक मर्डर होता है, एक माँ होती है, एक बहन होती है, क्या आप उसके आंसुओं को उसमें कैप्चर कर पाए? अगर नहीं कैप्चर कर पाए तो उसका मतलब आप द्रवित नहीं हो रहे, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सफरिंग दैट द लेडी इज गोइंग थ्रू। आप रो नहीं रहे उसके साथ, अगर आप नहीं रो रहे हैं तो आप रीडर को भी नहीं रुला पाएंगे, रीडर को नहीं रुला पाएंगे तो कंपेलिंग कंटेंट नहीं है, वो मजबूर नहीं कर रहा वो कंटेंट पढ़ने के लिए, हेडिंग छोड़ देगा, एक इंट्रो पढ़ेंगे हम छोड़ देंगे। जहाँ जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट ट्रुथ, एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट लाइज, इट्स अ पैक ऑफ लाइज। जितने भी एड छपते हैं सब झूठ होते हैं, ये टीवी सबसे अच्छा है, ये दवा सबसे अच्छी है, ये शर्ट सबसे अच्छी है, आप बहुत खूबसूरत है, स्क्रीन को लगा के आप फेयर हो जाएंगे, इट्स ऑल अ पैक ऑफ लाइज। एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में लोग इसी की महारत हासिल करते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट अ पैक ऑफ लाइज कि जो कंज्यूमर है उसको बिलीव करके आपके उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो दिस इज इन ब्रीफ जो मैंने आपको मीडिया के सोपर्ट बताया। मेरा एक्सपीरियंस टीवी के बारे में इतना नहीं है, जो लोग नेट पे सोचते हैं कि इंटरनेट एक अलग मीडियम है, दे आर कंफ्यूज्ड एंड इट इज़ नॉट अ सेपरेट मीडियम। टुडे जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट मल्टीमीडिया जर्नलिज्म। टू थिंग विल मेक यू अ बेटर जर्नलिस्ट, वन योर स्किल्स इन टेक्नोलॉजी एंड हाउ एप्ट आप हैं इन चीज़ों को ग्रास्प करने में और ये मल्टीमीडिया जर्नलिज्म सीखने में। एंड नंबर टू इज प्रॉब्ली द ओनली कंपेलिंग थिंग कि आप इस नौकरी में आ क्यों रहे, इज इट फॉर अ जॉब और इज इट टू क्रिएट अ डिफरेंस। ये दो चीज़ों से ही आप जर्नलिज्म में सक्सेस पा पाएंगे।